जो मनुष्य जीवन है भाई, भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीन। सारी दुनिया को भगवान नाचना चाहते हैं, पर भगवान भक्तों के वश होकर नाचते हैं। जैसे महाराष्ट्र के भक्त गोरा कुंभार, कैसे महान भक्त गोरा कुंभार। इतने महान थे कि पूरा महाराष्ट्र आज भी गोरा कुंभार को याद करता है। उनके माता पिता भी भगवत भक्त थे। जब इनका जन्म नहीं हुआ था, संतान नहीं है माता पिता को, तो जादू टोने वालों की शरण में नहीं गए, जन्म पत्री लेकर उनकी शरण में नहीं गए। वो चले गए पंडरपुर भगवान विट्ठल के मंदिर में और वहां बैठ के जप करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि भगवान के दरबार में किस चीज की खोट है, तो भगवान थोड़ा प्रसाद हमको भी दे देंगे। ऐसा प्रार्थना मन में भाव लाकर प्रणाम किया तो भगवान के गले में जो फूल मालाएं थी उसमें से फूल गिर कर पड़े हैं इन दोनों पति पत्नी के ऊपर। और इनको हुआ कि हमारी पुकार स्वीकार हो गई। घर आए और भक्ति इनकी बढ़ने लगी। संपत्ति नहीं थी पर सन्मति थी। हकीकत में कई लोग रुपया बढ़ाने की बात सोचते हैं, भक्ति बढ़ाने की बात बुद्धिमान सोचते हैं। समय बीतता चला, एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बालक दिखने में गोरा गोरा था, इसलिए बालक का नाम ही रख दिया गोरा। और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। गोरा को भी मां बाप के संस्कार मिले और उसकी भी भगवत भजन में बहुत रुचि थी। शांत बैठना, भगवान की मूर्ति को एक टक देखना, कम शब्द बोलना, ऐसा उसका स्वभाव था। उम्र हुई, माँ बाप ने कहा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। गोरा जी ने मना कर दिया कि मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं, मैं संसार में नहीं फंसना चाहता। इतने लोग कर ही रहे ना शादी, मैं नहीं करूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी माँ। ये दुनिया में इतने लोगों ने शादी की, एक मैं अगर थोड़ा ऐसे ही रह गया तो बुरा क्या है, मुझे भजन करने दे माँ। माँ ने बहुत आग्रह किया कि तू एक का एक बेटा है, वंश परंपरा चले उसके लिए तेरा ब्याह जरूरी है। तो गोरा कुंभार ने भी देखा कि माँ इतना आग्रह करती है, बेकार में माँ का दिल तोड़ना, ठीक है चलो भगवान की जो मर्जी। तर तीव्र प्रारब्ध था, गोरा जी की शादी हो गई। पर फिर भी उनका उद्देश्य संसार नहीं, ईश्वर ही था। घर में रहें तो ऐसे ही रहें जैसे नाव पानी में रहती है। मनुष्य में इतनी योग्यता है, फिर भी मनुष्य दुखों से अपने को छुड़ा नहीं पाता है। इतनी योग्यता के भगवान स्वयं कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, फिर भी मनुष्य दूसरों का सहारा लेता है कि मेरे को मदद करो, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे को पैसों की बहुत तंगी है। लक्ष्मीपति भगवान तो दिल में बैठे हैं और बोलता है मेरे को पैसों की तंगी है, मैं क्या करूं। भजन करें, अपने आप पैसों की तंगी रहेगी नहीं। लक्ष्मी माता देखेगी ये भगवान का भजन करता है, चलो मैं इसके पास जाऊं। लक्ष्मी जी किसी के घर आती है तो देखती है कि ये आदमी भजन करता है कि नहीं करता, भक्ति करता है कि नहीं करता। दिल से करता है तो लक्ष्मी जी आए बिना रहती नहीं है। यही कारण कई साधकों ने बताया उनके सिर पे कर्जा था, उतर गया, भक्ति में लग गए। मैं दुखी हूं सोचना छोड़ दिया, दुख मिटाने वाले को याद करते रहे, दुख मिट गया, ये मजे में। समस्या को याद न करें,
क्या करें, मेरी बहन बड़ी हो गई, उसकी शादी की चिंता है, तो बहन को सिखा दें रोज सुबह नहाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे, रोज ये मंत्र थोड़ी देर बोले, रात को सोते समय भी ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, रात को भी जप करे, सुबह तिलक करते समय जप करे, नवरात्रि के दिनों में जप करे इसका ज्यादा, तो अपने आप उसका रिश्ता अच्छे घर में होगा। और गुरुवार को मेहंदी लगाए बाएं हाथ की आखिरी उंगली में, ऊपरी हिस्से में। देखो, जब तक इस दुनिया को बनाने वाले का आश्रय नहीं लेते, तब तक ही दूसरे के आश्रय लेने पड़ते, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जब तक ईश्वर प्राप्त सदगुरु का आश्रय नहीं लेते, तब तक दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है, ज्योतिषियों के पास, नंग वालों के पास। रात को किसी का आश्रय नहीं लेते, सो जाते हैं तो थकान मिट जाती कि नहीं मिट जाती सबकी, अगले दिन काम करने के काबिल बन पाते हैं हम। ऐसे ही दिन में भी औरों का आसरा छोड़कर शांत हो जाएं तो अपने आप, रात को तो हम नींद में चले जाते हैं प्रगाढ़ सुषुप्ति में, पर दिन में सुषुप्ति में ना हो, जागृत अवस्था में हो, फिर भी भीतर एक निसंकल्प दशा शांति की, जो गुरुदेव बताते हैं सत्संग में, वो अगर हो तो सचमुच काम बन जाते हैं, बिगड़ी बाजियां संवर जाती हैं। एक संत थे, स्वधाम जाने की तैयारी थी उनकी, जीवन लीला समेट रहे थे, बहुत लोग जमा हो गए थे कि हमारे गुरुजी अब दुनिया से जाने वाले हैं, और भक्तों ने बहुत समय से एक अर्जी लगाई हुई थी कि आप अपना अनुभव एक डायरी में लिखें ताकि वो डायरी भविष्य में लोगों को काम आए। तो गुरु तो इनकार करते थे, पर जब विदा लेने वाले थे, जाने वाले हैं, तो उन्होंने सब अपने भक्तों को बुलाकर कहा कि मैंने आपकी इच्छा के अनुसार एक डायरी लिख दी है, उसमें मैंने अपना अनुभव लिखा है। तो सब खुश हो गए कि वाह, गुरु जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अपना अनुभव डायरी में लिख दिया। गुरु जी कहाँ है वो डायरी, अब हम उसकी पुस्तक छपवाएंगे और लोग पढ़ेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। सब राजी हो रहे थे। गुरु जी ने पुस्तक दी अपने प्रधान शिष्य को, सब ने कृतज्ञता भाव से प्रणाम किया, पर अचानक सबको आश्चर्य लगा, जिस प्रधान शिष्य को गुरुजी ने वो डायरी दी थी, उसने वो डायरी, आग जल रही थी उसमें वो डायरी फेंक दी। अभी गुरुजी ने शरीर छोड़ा नहीं था, वो देख रहे थे, और दूसरे सारे भक्त भी गुरु के देख रहे थे। इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे, गुरु अपना अनुभव डायरी में लिखो, डायरी में लिखो, और गुरु ने अंत समय में, अब जाने वाले हैं और अनुभव कहते हैं मैंने डायरी में लिखा है, और वो डायरी इसने फेंक दी आग में। सब साधकों को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बात है। पर गुरु मुस्कुराए, गुरु खुश हुए और उठ बैठे, और जिसने डायरी आग में फेंकी थी उस शिष्य को बुलाकर अपने हृदय से लगाया, उसके सिर पे हाथ रखा और कहा शाबाश है बेटे, मैं यही चाहता था। तो सब शिष्यों को लगा कमाल है, ये क्या बात हुई, आपने ही कहा कि मैंने अनुभव डायरी में लिखा है, वो डायरी इसने आग में फेंक दी और आप कहते हो मैं यही चाहता था। तो गुरु ने कहा कि अगर मेरा ये प्रधान शिष्य डायरी आग में नहीं डालता और डायरी अगर रख देता, तो डायरी देखकर आपको आश्चर्य लगता और ज्यादा। अभी जैसे आश्चर्य लग रहा है, इसने डायरी आग में फेंक दी,
अगर बाद में डायरी देखते तो आपको और भी आश्चर्य लगता। किस बात का? बोले क्योंकि मैंने डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है, कोरी है, कोरी। आपको और आश्चर्य नहीं लगता क्या? सबको लगा कमाल है, इनकी लीला भी बड़ी विचित्र, समझ में नहीं आती। गुरु ने कहा कि सत्य किन्हीं किताबों या पुस्तकों से उपलब्ध नहीं हो सकता, वो तो जागृत महापुरुष हमारे सामने हो, हम उनके चरणों में हो और उनके वचनों में हमारी आस्तिक बुद्धि हो, दृढ़ता हो, ग्राहकता हो, तो फायदा होता है। सुनकर चल दिए बस, कि अब कहाँ नाश्ता करेंगे, क्या खाएंगे, कौन सी होटल में जाएंगे, कहाँ बढ़िया खाना मिलता है, सब्जी कहाँ बढ़िया मिलती है, पराठे कहाँ बढ़िया मिलते हैं। नहीं नहीं, महत्व बुद्धि सत्संग में। परीक्षित राजा ने पांचवें दिन सुखदेव जी को कहा कि गुरुदेव मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, जिस भूख और प्यास के कारण मैंने ऋषि का अपमान करके उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, वो भूख और प्यास कहाँ गई मुझे नहीं पता। तो खाने की मना नहीं है, घूमने की मना नहीं है, परंतु ग्राहकता, महत्व बुद्धि ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त गुरु के वचनों में जब होती है तो कल्याण हो जाता है। तो रात को सबका सहारा छोड़कर सो जाते हैं तो कितना लाभ होता है। ऐसे दिन में भी औरों के आश्रय छोड़ दें। यहाँ एक विद्यार्थी बैठे हैं, इनका नाम अभी इन्होंने लिख कर दिया, मेरा नाम अनुभव कंवर है और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से आए हैं। गुरुदेव से सन 2001 में लुधियाना में सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली थी। आध्यात्मिक और अहिक इतने लाभ हुए कि कुछ कह नहीं सकता। उनमें से कुछ इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश की MBBS प्रवेश परीक्षा PMT में 50,000 विद्यार्थियों में सेकंड रैंक आया। अमेरिका में MD करने की सभी परीक्षाएं 3 क्लियर हो गई और 99% आए अमेरिका में। आए और MD की परीक्षा में यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसनिंग एग्जामिनेशन, ये खुद अपना थोड़ा अनुभव बताओ, इनको माइक दो। अनुभव इनका नाम है, अपना अनुभव खुद बताएंगे। मेरा नाम अनुभव है और मैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से आया हूँ। 2001 में मैंने बापूजी से दीक्षा ली और उसके बाद मुझे बहुत लाभ हुए। MBBS में हिमाचल प्रदेश PMT में मैं पूरा सेकंड रैंक आया और अभी 2009-2010 में US में MD करने के लिए 3-4 परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें भी बापूजी कृपा से मेरा 99% आया। और इस साल जुलाई में वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में मैं MD करने जा रहा हूँ। सब पूज्य गुरुदेव की कृपा है और 4 सरस्वती मंत्र के अनुष्ठान करने का भी सौभाग्य मुझे मिला। हरिओम। गोपियों ने गोपी गीत में ये भी कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। विखन सारथितो विश्व गुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। जो सात्विक लोग होते हैं उनके अंतर में भगवान उनके कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, अंतर्यामी रूप से प्रेरणा देते हैं कि ऐसा करो ऐसा न करो, और वो वैसी प्रेरणा ईश्वर की मानते हैं तो उनका कल्याण होता है। ऐसी सफलताएं बाह्य जगत में भी मिलती है और आंतरिक जगत में भी, आध्यात्मिकता में भी उनकी खूब उन्नति होती है। तो भगवान कैसे हैं, विवेकानंद बोलते थे कि मैंने भगवान को मेरे गुरुदेव में ही देखा है।
मेरे गुरुदेव ईश्वर की चल मूर्ति हैं, ऐसा विवेकानंद जी बोलते थे। उनका इतना भाव था। गांधी जी की एक बात, विद्या पढ़ाते थे उनको बचपन में, शिक्षक थे, उस शिक्षक के प्रति भी गांधी जी का खूब खूब आदर भाव था। तो ब्रह्म विद्या का दान देने वाले, हरि नाम की दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति शिष्य का भी खूब खूब भाव होना चाहिए। जैसे हनुमान जी थे तो उनमें एक तो थी दास्य रति कि मैं राम जी का दास हूँ, ऐसे शिष्य में भी हो कि मैं मेरे सदगुरु का, जो मुझे ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, ऊंची सीख देते हैं, मेरा ये लोक और परलोक संवार रहे हैं, मैं उनका दास हूँ। इस रति में, दास्य रति में शरीर मन और इंद्रियों में अपनापन नहीं रहता, बहुत फायदा होता है। आप करके देखो, मैं तो उनका दास हूं, मैं उनका हूं तो फिर शरीर से अपनापन नहीं रहा, मन और इंद्रियों में अपनापन नहीं रहा। ऐसे भक्त जो होते हैं, दास्य रति जिनमें होती, मैं तो गुरु का सेवक हूं, उनको पांच प्रकार की मुक्ति पाने की भी इच्छा नहीं होती। सालोक्य मुक्ति, भाई मरने के बाद भगवान का धाम मिले, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारष्टि, सायुज्य, इन पांच प्रकार की मुक्ति में से कोई भी पाना नहीं चाहते। मैं तो भाई उनका दास हूं, दास्य रति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे स्वामी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। इस प्रकार दास्य रति होती है साधक में। दूसरी, साधक में सख्य रति, हनुमान जी में सख्य रति भी है। श्री राम भगवान हनुमान जी से सलाह लेते थे। विभीषण जब रावण को छोड़कर राम जी के पास आए तो सुग्रीव ने कहा कि शत्रु का भाई है, खतरा कर सकता है, हो सकता है हमारा रहस्य जानने के लिए आया हो, इसलिए आप इसको अपने पास मत रखो। पर हनुमान जी ने सम्मति दी कि नहीं प्रभु, शरण आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए, ये रावण को छोड़कर आया, जब सब छोड़कर आया तो फिर आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं, आप रखो। तो हनुमान जी की बात मानकर विभीषण को राम जी ने अपने पास रखा। ये सख्य रति, सलाह लेते हैं कि क्या किया जाए। हनुमान जी का इतना है तो राम जी भी उतना रखते हैं उनके प्रति। फिर तीसरी है वात्सल्य रति। राम जी को कष्ट हो ये हनुमान जी से सहन नहीं होता, पीठ पर उठाकर वायु वेग से चल देते हैं। सीता जी की खोज करनी थी, एक छलांग में समुद्र पार कर लिया, एक छलांग में फिर समुद्र पार करके आ गए। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े, अरे लक्ष्मण जी को कष्ट हो रहा है तो राम जी को कष्ट हो रहा है, मेरे राम और लक्ष्मण को क्यों कष्ट हो। समुद्र पार करते हुए आए हिमालय में और पर्वत उठाकर ले गए, फिर समुद्र पार करते हुए लंका में। सेतु का निर्माण करना था, राम जी ने कहा पत्थर कम न पड़ जाए, जाओ एक हिमालय से पर्वत उठाकर ले आओ ताकि पत्थर कम न पड़े। गए हिमालय, पर्वत उठाकर ले आए हिमालय से, और जब समुद्र किनारे पहुंचे तो पता चला सेतु का काम पूरा हो चुका है। तो हिमालय के देवता ने कहा कि तुम तो लाए थे ये कहकर के सेवा मिलेगी, अब सेवा तो पूरी हो गई, सेतु का काम तो पूरा हो गया। अब हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी सेवा जरूर होगी, तुमको मिलेगी और भगवान का स्पर्श भी मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। कैसे? हनुमान जी ने कहा जब धरती पर कृष्ण अवतार होगा तब श्री कृष्ण तुमको सेवा देंगे, चलो मैं तुमको छोड़ के आता हूं योग्य जगह पे। हनुमान जी ने वो पर्वत फिर से उठाया और छोड़कर आए जो आज गोवर्धन पर्वत है और लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज की 21 किलोमीटर की, वो हनुमान जी ने रखा था उधर। नहीं तो उस पूरे इलाके में है कोई पर्वत दूसरा, बोलो जो लोग गए हैं उनको पता है कोई उस इलाके में दूसरा? हनुमान जी लेकर आए हैं, रखा है। और जब श्री कृष्ण ने, राम जी ही कृष्ण बनकर आए और उन्होंने व्रजवासियों की रक्षा और सेवा हेतु गोवर्धन को उठाया, तो गोवर्धन
खुश हो गए गिरिराज के, वाह हनुमान जी ने कहा था वो वचन आज सत्य हो गया। तब हनुमान जी की याद आई, तो हनुमान जी ऐसे हैं कि उनमें दास्य रति भी है, सख्य रति भी है, वात्सल्य रति भी है कि मेरे स्वामी को कष्ट ना हो। कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि हनुमान जी कहते हैं कि कोई लौकिक काम हो या बड़ी से बड़ी मुसीबत आई हो तो उसमें भी भक्तों को चाहिए कि राम मंत्र का उपयोग न करें, खर्च मत करो भगवान के नाम को कि मेरा ये कष्ट मिटा दे कष्ट मिटा दे, डट के सामना करो, डर मत जाओ। हरि ओम ओम ओमकार का जब बापूजी इसलिए कराते हैं कि मनोबल आत्मबल बढ़े। दीनहीन लाचार होकर मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, नहीं ओम ओम ओमकार की गर्जना कराते हैं बापू के मनोबल ऐसा मजबूत करो कि कोई भी दुख तुम्हारे सामने आए तो कांप उठे, सिहर उठे कि इसके सामने मैं नहीं टिक सकूंगा। हाँ मनोबल आत्मबल बढ़ाओ पर कभी गुरु के सामने बेअदबी मत दिखाओ, वहां नम्रता। ऐसा नहीं कि गुरु के सामने ओम ओम ओम, ऐसा नहीं होगा। कभी भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। अदब तहजीब सभ्यता। हाँ कोई दुष्ट हो आपको सता रहा हो तो जरूर कड़ी आंख दिखाओ, एक बहन के अंदर भूत घुसा हुआ था तो उज्जैन में उसके पिताजी के साथ हुआ आई थी, तो मेरे को पिताजी उसके बोले कि इसके अंदर एक भूत है। मैंने पूछा भाई क्यों, तो उसके अंदर से भूत बोला। मैंने कहा क्यों इस बेचारे को परेशान करता है, ये भी परेशान तू भी परेशान, अपने मालिक की नगरी में आए हो, उज्जैन महाकाल की नगरी है और तुम्हारे सबके स्वामी शिव जी हैं, अपने इस मालिक की नगरी में आए हो तो अब यहीं रह जाओ, इसके साथ मत जाना। बेचारा चला गया, सीधा आदमी था मुझे ऐसा लगा, निकल गया उसमें से, बात मान गया, दोबारा उसमें आया नहीं। फिर उस लड़की की तो शादी हो गई, अच्छी जगह खुश है वो। उसका मतलब ये नहीं कि किसी के अंदर भूत हो मेरे पास लेकर आए कि इसको भी निकालो, मैं कुछ जानता नहीं हूं, मेरे को आता नहीं है ये कोई विद्या, मेरे को नहीं आती। ये तो वहां उज्जैन था तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे मालिक हैं शिव जी और महाकाल हैं, मृत्यु लोक है महाकाल, हम तो निकल जाओ। उसको भी लगा कि हम बात तो ठीक कह रहे हैं महाराज, चला गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से तो ये भूतड़े अच्छे हैं साहब, बात मान लेते हैं, वो माने ही नहीं, वो तो स्वीकार करने कोई राजी नहीं होते। सब ऐसे नहीं होते हैं पर हो भी सकते हैं, सब ऐसा नहीं बोलते हैं बुरा पर बोल भी सकते हैं और कई बार बोलते भी हैं। जब कोई मीडिया वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला बकवास करे ना तो आप तुरंत बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे मूर्खों का काम है कहना, इनका काम ही है बोलना। एक आदमी पागल खाना देखने गया, लोगों के शौक भी बड़े अजीबो गरीब होते हैं, पागल खाना देखने का शौक जगा, गया देखने तो गाइड दिखा रहा था यहाँ सब खाना खाते हैं, यहाँ नाना धोना होता है, यहाँ यहाँ प्रार्थना के लिए सबको बिठाते हैं, प्रार्थना भी सिखाते हैं इनको। फिर वो दिखाते दिखाते छत पे ले गया कि यहां से पूरा मेंटल हॉस्पिटल दिखेगा, पूरा ऊपर से देखा। उस आदमी ने कहा जो देखने आया था, बोले अब देख लिया अब चलें, तो उसने हाथ पकड़ लिया, नहीं सीढ़ी से ऊपर आए थे, सीढ़ी से नीचे नहीं जाएंगे, अब नीचे यहीं से छलांग लगाओ। तो उसको लगा ये गाइड नहीं है, ये भी पागल खाने का ही एक पागल था, ये गाइड नहीं है, बोले यहां से छलांग लगाओ। तो उस आदमी ने सोचा इस पागल से कैसे मुक्ति पाऊं, तो उसको भी एक उपाय सूझा। उसने कहा देख सीढ़ियों से ऊपर तो कई लोग आते हैं, बोले हाँ,
और ऊपर से छलांग भी कई लोग लगा लेते हैं, बोले हाँ। तो ऊपर से छलांग लगाने में बहादुरी नहीं है, सीढ़ी से अपन नीचे जाएं और नीचे से छलांग लगा के ऊपर आए, इसमें बहादुरी है। बोले हाँ ये बात ठीक कही, चलो सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के आए, अब वो क्यों खड़ा रहता, वो तो 9-2-11 हो गया, भाग गया वो तो। पर वास्तव में बहादुरी इसी में है कि आदमी नीचे से ऊपर जाए, ऊंचा उठे, आध्यात्मिकता में, साधना में, भक्ति में। मनुष्य जीवन इसीलिए है। हनुमान जी में माधुर्य रति भी है। माधुर्य रति मतलब हनुमान जी का किसी के साथ स्वार्थ का संबंध नहीं, और हनुमान जी किसी से अपना संबंध मानते भी नहीं है। यहां तक कि राम जी से भी संबंध है, स्वामी से भी, तो सेवा लेने के लिए नहीं, अपनी सेवा देने के लिए है कि मैं सेवा करूं। यह माधुर्य रति कि मैं मेरे स्वामी की सेवा तो खूब करूं पर बदले में कुछ न मांगू। आजकल तो कोई कोई सेवा करते हैं तो अधिकार की मांग पहले करते हैं, पर मैं तो समिति वालों को खूब खूब बुद्धिमान मानता हूं कि ऐसे आयोजन करते हैं अपने अपने शहरों में, पर अपना नाम नहीं चाहते हैं कि अखबारों में हमारा नाम छपे या बैनरों में, फ्लैक्सों में हमारा नाम छपे कि हम लोगों ने आयोजन किया, हम लोगों ने 1,00,000 रुपया दिया, 50,000 दिया, 20,000 दिया, नाम नहीं चाहते। ऐसे जो समिति वाले और आयोजन करने वाले धर्मात्मा लोग हैं, मैं तो इस तीर्थ भूमि में उन सभी समिति वाले, जो भी भारत भर में ये सत्संग आयोजन के कार्य करते रहते हैं, मैं उन सभी सेवा करने वाले भाई बहनों के लिए इस पवित्र तीर्थ भूमि से गुरुदेव के चरणों में, मां गंगा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उन सब मेरे भाई बहनों की भक्ति खूब खूब बढ़ती रहे और उनके द्वारा ऐसे कल्याणकारी आयोजन होते रहें जिससे समाज में सुख शांति बढ़े और स्वाधीनता के साम्राज्य की स्थापना हो, पराधीनता जीवन में से मिटे, स्वाधीन हो जाए सब। मुझे बहुत ये आयोजकों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि कितना, दिल्ली में भी जो समिति वाले आयोजन करते हैं दिल्ली में, या मुंबई वाले मुंबई में और जगहों पर, अभी उत्तर प्रदेश में कितने कार्यक्रम हुए, लखनऊ में, इलाहाबाद में, अयोध्या में, गोरखपुर में और भी कई जगहों पर हुए। और उत्तर प्रदेश वालों पर तो और कृपा बरसेगी, अगले साल कुंभ आ रहा है प्रयागराज का 2013 में, उत्तर प्रदेश में गुरुदेव के चरण फिर से पढ़ते रहेंगे कुंभ के निमित्त। तो हनुमान जी में माधुर्य रति भी है। हम भगवान से, गुरु से प्रार्थना करें कि हमारे में भी दास्य रति आए, हमारे में सख्य रति आए, हमारे में वात्सल्य रति आए और हमारे में माधुर्य रति भी आए। हम सेवा तो करें पर बदले में कुछ न चाहें। गंगा में भी स्नान करने जाएं, डुबकी लगाएं तो जिस तरफ से पानी आ रहा है उस तरफ की ओर, जिस तरफ से गंगा जल आ रहा है, समझो इधर से आ रहा है तो इस तरफ ही मुंह करके हाथ जोड़कर शुभ संकल्प करते हुए, जो आप चाहते हैं कि ये चार प्रकार की रति आ जाए कि माँ गंगा, हनुमान जी की ये चार रतियां, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति, माधुर्य रति, ये मेरे में आ जाए, ऐसी कृपा कर। और ऐसी चार रति अगर आएगी हमारे में तो फिर क्या होगा पता है,
फिर नित्य योग में योग, जैसे गोप बालक थे, गोपियां थी, इनका ऐसा प्रेम था कि बैठे हैं, गुरुदेव सामने हैं, और आंखों के द्वारा गुरुदेव को देखते देखते बीच बीच में आंख बंद कर ली, मानो आंखों के रास्ते से उनको अपने भीतर ला दिया, और आंख बंद करके मानो बस अब हमारे अंदर हमारे प्राणों में उनकी स्थापना हो गई, और भीतर जो काम क्रोध दुख चिंता तनाव आदि थे वो सब चले गए। जैसे गुरुदेव के आगे कोई दुख टिक सकता है क्या? बापू के आगे कोई चिंता टिक सकती है क्या? नहीं टिक सकती। तो जब वो मेरे भीतर आ गए तो अब कोई दुख कोई चिंता मेरे मन में काय को टिकेगी। हरि ओम 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 ऐसा शुभ भाव लाते हुए मुसीबत के सिर पर पैर रखने का सामर्थ्य। शिष्य और सदगुरु का परस्पर मिलन ये नित्य योग में योग है। वैसे तो साधक ने जब से दीक्षा ली तब से गुरु उसके साथ ही हैं, फिर भले वो भारत में रहता हो कि अमेरिका में रहता हो, अहमदाबाद में रहता हो कि दिल्ली में रहता हो, गुरु जी के रोज दर्शन तो नहीं कर पाएगा ना हर कोई, भले महीने में एक दिन दर्शन करता हो, फिर भी उसके साथ गुरु तो हैं ही हैं क्योंकि दीक्षा ली है। पर फिर सामने भी दर्शन करने जब आ गए तो यह है नित्य योग में योग, और फिर आंखों से देखते देखते बीच बीच में आंख बंद करके कि बस मेरे गुरुदेव मेरे साथ सदा थे हैं और रहेंगे, ये नित्य योग में योग है। इससे भक्ति और बढ़ती है, गुरु से मानसिक संबंध जुड़ा रहता है। दूसरा है नित्य योग में वियोग, मतलब गुरुदेव से मिलन होने पर भी सामने होने पर भी ये भाव आए कि गुरुदेव कहीं चले गए। चले गए मतलब कि आप बैठे हैं और गुरुदेव निकट से दर्शन देते हुए गए। कल मैंने देखा था शाम को, मैं उधर साइड में खड़ा था जब गुरुदेव गाड़ी में बैठकर ध्यान करवा रहे थे और ओमकार का गुंजन करा रहे थे। मैं काफी देर उधर दूर कोने में खड़ा हुआ देख रहा था, मुझे दृश्य बहुत अच्छा लगा। उस समय सभी साधक शांत बैठे थे, जो इधर आगे बैठे थे वो आगे ही बैठे थे, वो मुड़ मुड़ कर खड़े होकर उस तरफ नहीं देख रहे थे। गुरुदेव ने कहा था शांत बैठो, तो सब पूरा डिसिप्लिन शिष्टता, कैसे सुंदर नजारा था वो कल शाम का, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हकीकत में कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने में मजा है कि सुनने में मजा है। कल जब गुरुदेव निकट से दर्शन दे रहे थे तो मैं उधर पीछे जाके खड़ा था, काफी देर खड़ा रहा, फिर कुछ लोगों ने देख लिया मेरे को तो वो फिर उठ उठ कर आने लगे, फिर मैं उठ के चला आया। बाकी जब मैं पीछे खड़ा था कोने में तो मुझे लगा कि मजा तो सुनने वालों को ही है, बैठे रहो मजे से, बोलने वाला तू बोल, हम बैठे हैं, बोल क्या बोलता है। सुनने वालों को तो आनंद ही आया, सुनने वाला तो इधर देखे उधर देखे, चालू सत्संग में पानी भी पी ले, बेल पलाश का शरबत भी पी ले, अपने पास कुछ और बना के रखा हो तो वो भी घोल पी जाए, पर सुनाने वाला तो बेचारा बोलता ही रहेगा, है ना, वो थोड़ी बीच में पानी लेकर पिएगा पलाश का शरबत पिएगा। और सुनने वाले को एक फायदा और भी है, सुनने वाला सुनते सुनते थोड़ा पर सुनाने वाला ऐसा करे तो अखबार में फोटो आ जाएगा, महाराज थके हुए थे भाई मंच पर सो गए महाराज। सुनने वाले को एक फायदा और है, जितनी देर उसकी मर्जी आए सुने, मर्जी उठी तो मर्जी मन में आई तो उठ के चल दिया, चलो भाई गर्मी बहुत हो रही जरा गंगा में डुबकी लगा के आता हूं,
सुनने वालों को फायदा, बस सुनाने वाला उठ के जाए तो लोग बोलेंगे क्या हुआ, महाराज की तबीयत खराब हो गई लगती है, कुछ भी सोच सकते हैं ना। सुनने वाले को एक फायदा और है, सुबह के सत्संग में आए, शाम को छुट्टी मार दे कि नहीं जाते अपन, कल सुबह फिर जाएंगे, अभी तो सत्संग कल भी है, कल चलेंगे। पर सुनाने वाला अगर शाम सुबह आए और शाम को ना आए तो अखबार वाले छाप देंगे कि कुछ हुआ है इसलिए महाराज नहीं आए। सुनने वाले बहुत फायदे में हैं। गुरु की वाणी दूर दूर तक, और हकीकत में समझदार श्रोता जो होते हैं ना, समझदार सत्संगी, वो आग्रह नहीं रखते कि मैं आगे ही बैठूं। जहां जगह मिल जाए तो, यहां तो कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई कोई सरगस तो हो नहीं रहा, कुछ ऐसा दृश्य नहीं दिखाया जा रहा है कि जलती हुई आग की एक रिंग है उसमें से अभी कोई छलांग मारेगा, अभी ये दृश्य दिखाया जाएगा जो आगे बैठकर देखे। सुनना है कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं हाँ, पर गुरुदेव के निकट से दर्शन की लालसा होती है तो ये भी व्यवस्था हो गई कि गाड़ी में गुरुदेव बैठकर आते और दूर दूर तक सबके बीच निकट से दर्शन देकर गुरुदेव फिर इधर लौट आते हैं, तो ये भी फायदा हो गया अब तो। इसलिए दूर वाले भी नजदीक वाले ही हो गए। हकीकत में शिष्य गुरु से दूर हो तो गुरु के पास आ नहीं सकता। आप जो भी दूर दूर तक बैठे हैं वो आप कोई भी बाहर से तो लगेगा गुरुदेव की व्यासपीठ इधर है और आप एकदम पीछे बैठे सबसे आखिरी में, पर मैं तो कहूं वो भी गुरुदेव के बहुत नजदीक हैं। अगर नजदीक नहीं होते तो हरिद्वार के सत्संग में आ ही नहीं सकते थे। जो बहुत दिल से नजदीक होते हैं गुरु के, वही इस तीर्थ धाम में आकर गुरुदेव का लाभ उठा पाते हैं। फिर बाहर से अब इतना बड़ा पंडाल और भीड़ इतनी, तो सब लोग तो आगे कैसे बैठ पाएंगे, जैसे जैसे जगह भरती जाएगी तो पीछे बैठने को मिलेगा। पर कल मैंने देखा रात को, बड़ा आनंद आता है शांति से कहीं भी बैठे रहो ना तो ये दृश्य देखकर भी आनंद आ जाता है, कितनी शांति है। गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, इनके चरणों में शीश झुकाए, गुरु के दर पे। भगवान ने गीता में कहा है तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेया। गुरु के पास जाओ तो तीन अंतरंग साधन लेकर के जाओ। अंतरंग साधन कौन कौन से, कि श्रद्धा, तत्परता और संयम, ये तीन अंतरंग साधन है। और तीन बहिरंग साधन तद विद्धि प्रणिपाते न, विनम्र होकर के जाओ, श्रद्धालु होकर के जाओ। गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, इनके चरणों में शीश झुकाए, इनके चरणों में शीश झुकाए, तो पाप सारे मिट जाएंगे, बंधन कट जाएंगे, तो पाप सारे मिट जाएंगे, जाएंगे। इनकी शरण में सुख सारे हैं, इनकी शरण में सुख सारे हैं, गुरुवर ही भव से तारे हैं, गुरुवर ही भव से तारे, इनके दर्शन जो भी कर पाए, इनके दर्शन जो भी कर पाए, अपनी भक्ति को जो भी बढ़ाए, अपनी भक्ति को जो भी बढ़ाए, तो हृदय खिल जाएंगे, सुख सब मिल जाएंगे, तो हृदय खिल जाएंगे, सुख सब मिल जाएंगे। जय हो।
सारी मुरादे पूरी है करते सारी मुरादे कृपा की दौलत भर भर बाटे कृपा की दौलत भर भर बाटे जो भी प्रीति की लौ को जगाए चरणों में लगन लगाए गुरु चरणों में लगन लगाए क्लेश सब कट जाएंगे सदगुण बढ़ जाएंगे क्लेश सब कट जाएंगे भक्तों के सर ताज गुरु है भक्तों के सर ताज गुरु है इनसे ही उन्नति होती शुरू है इनसे ही उन्नति होती शुरू है इनसे दूर कभी ना जाए इनसे दूर कभी ना जाए इनको ही सदा हम रिझाए को ही सदा हम रिझाएं तो भाग्य खुल जाएंगे दोष सब धुल जाएंगे तो भाग्य खुल जाएंगे दोष सब धुल जाएंगे देते पूंजी समता विवेक की देते पूंजी इनसे ही मिलती सुख की कुंजी इनसे ही मिलती सुख की पूंजी इनके नाम को दिल से जो ध्याए इनके नाम को दिल से जो ध्याए उसे मुक्ति का मार्ग दिखाए उसे मुक्ति का मार्ग दिखाए ये जीवन सच पाएंगे जो इनको भज पाएंगे ये जीवन सच पाएंगे जो इनको भज पाएंगे पंख है देते ज्ञान और भक्ति के पंख है देते इनसे साधक ऊंचे उठते इनसे साधक ऊंचे उठते आस्था की जो ज्योति जगाए आस्था की जो ज्योति जगाए सब अंधेरे है खुद मिट जाए सब अंधेरे है खुद मिट जाए निहाल वो हो जाएंगे वो रहमत पा जाएंगे निहाल वो हो जाएंगे वो रहमत पा जाएंगे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मेरे राम
के पट खोले हैं, अंतर सुख के पट खोले हैं, सदा ही हित की ये बोले हैं, सदा ही हित की ये बोले हैं। जो भी दीक्षा गुरु से है पाए, जो भी दीक्षा गुरु से है पाए, इनकी शिक्षा को जीवन में लाए, इनकी शिक्षा को जीवन में लाए, वो कृपा पा जाएंगे, झोलियां भर जाएंगे, वो कृपा पा जाएंगे, झोलियां भर जाएंगे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इनकी सूरत कितनी नूरानी, इनकी सूरत कितनी नूरानी, गुरुवर होते हैं महादानी, गुरुवर होते हैं महादानी, जिनके सपनों में बापू आए, जिनके सपनों में बापू आए, जिनकी सांसों में ये बस जाए, जिनकी सांसों में ये बस जाए, कष्ट सब मिट जाएंगे, कट जाएंगे, कष्ट सब मिट जाएंगे, दुखड़े कट जाएंगे। ओ, मेरे बापू, मेरे मेरे